नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो टाटा ग्रुप का शेयर है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। दोस्तों इस शेयर को मैंने 200 रुपये से 500 तक के लेवल तक जाते हुए मैंने देखा है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है और ऐसे शेयर में ही आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्पज़ से भी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन उससे ज़्यादा ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन शेयर है। क्योंकि जब यह मोमेंटम दिखाता तो 1 डायरेक्शन 200 से 500 तक का मोमेंटम इस स्टॉक ने दिखाया है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, लेवल्स और टारगेट, सारे चीजों की बात करेंगे। तो सर चलिए सबसे पहले हम इसके लेवल्स और टारगेट को देख लेते हैं, फिर हम इसके फंडामेंटल्स पर चलेंगे। तो ये स्टॉक देख लीजिए, यहाँ पर 588 या कहें 590 रुपीज़ तक जाने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, देख सकते हैं लगातार कंसोलिडेशन फेज में है। तो यहाँ पर आप सितंबर से ही देख सकते हैं इसमें लगातार गिरावट हो रही है और अभी ये बता रहा है कि और कंसोलिडेट हो सकता है, इसलिए आप इसमें अभी इन्वेस्ट ना करें। ये डेली चार्ट हमारा लगा हुआ है, डेली चार्ट पर देख रहे हैं कोई भी सपोर्ट यहाँ पर प्राइस इसका नहीं दिख रहा है, तो ये लगातार नीचे फॉल कर रहा है। उसमें नीचे फॉल करते हुए मात्र कुछ ही मतलब ग्रीन कैंडल बनाया, नहीं तो लगातार ये नीचे फॉल कर रहा है। तो अभी आपको जो मतलब कहा जाता है चाकू नीचे गिरा हो तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपको घायल कर सकता है। तो अभी ये जैसे कंसोलिडेट हो रहा है तो अभी आपको इसमें जो है पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, अभी आपको इसे कंसोलिडेट होने देना चाहिए। जैसे यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेता है, जैसे हमारा यहाँ पर बात करें यहाँ से नीचे आता है तो इसका जो सपोर्ट प्राइस बनेगा वो बनेगा 435 इस रेंज में ये सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया तो फिर हो सकता है एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिले। चलिए हम वीकली चार्ट पर देख लेते हैं इसका कोई सपोर्ट बन रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर आप कि ये 430 पर सपोर्ट नहीं लेता है तो 400 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 400 के आसपास पहले भी सपोर्ट ये लिया है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जब एक बड़ा मोमेंटम था तो यहाँ पर दो कैंडल वीकली चार्ट पर देखते हैं रेड बनाया, फिर यहाँ पर 400 के आसपास सपोर्ट लिया और फिर ये बड़ा मोमेंटम आपको 200 रुपये तक का दिखाया। तो फिर से यहाँ एक वन वे डायरेक्शन देखते हैं वीकली चार्ट पर, वन वे डायरेक्शन इसमें गिरावट हो रही है। तो आप 400 के लेवल्स का वेट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो फिर इसके मतलब ऊपर जब चलेगा तो हम बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे। फिर हम मंथली चार्ट पर जाते हैं, तो मंथली चार्ट पर क्या सपोर्ट दिखता है उसकी बात करें तो मंथली चार्ट पर तो ये स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए मंथली चार्ट पर ये स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मंथली चार्ट पर ये अपना कभी भी जो प्रीवियस लो है उसे ब्रेक नहीं किया है। मंथली चार्ट पर अपना प्रीवियस लो कभी भी ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी ये स्टॉक 2017 में 122 रुपये का था, वहाँ से वन वे मोमेंटम दिखाया 312 रुपीज़ का और फिर 312 रुपीज़ से ये कंसोलिडेट हुआ 190 रुपीज़ तक और 190 से फिर वन वे डायरेक्शन यहाँ मोमेंटम दिखाया 600 तक। क्योंकि ये जो बीच में गिरावट है ये तो हर स्टॉक्स में हुआ था पैंडमिक के कारण, मतलब पूरा मार्केट ही क्रेश हो गया था उसके कारण गिरावट आया था। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था आपके लिए इस स्टॉक में और उसके बाद एक तरह से कहें इस पैंडमिक नहीं आता तो इसमें वन वे डायरेक्शन ये दिखाई यहाँ से 190 रुपीज से। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है तो फिर कंसोलिडेट होने के बाद जैसे मोमेंटम पकड़ता है ऊपर की ओर तो आप स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी आप वेट एंड वॉच करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि टाटा कंज्यूमर पर एक डिटेल वीडियो बनाइए, तो स्टॉक टेक्निकली अभी बाइंग रेंज में नहीं है तो अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे। जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो अभी वेट एंड वॉच करेंगे, कहीं पर अब सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर मोमेंटम दिखाएगा तो हम स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का, फंडामेंटली स्टॉक कैसा है इसको चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूएशन पर क्लिक करते हैं, तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है मतलब कंपनी हमारा जो है लार्ज कैप है, मिड कैप है, तो यहाँ पर देख लीजिए 42,000 मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है, एक 1 रुपया फेस वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर 6 रुपीज़ के आसपास है और डिविडेंड जो है 270% का हर साल देती है, वो भी हम देख लेते हैं डिविडेंड हर साल देती है कंपनी या नहीं। तो कॉर्पोरेट एक्शन पर चलेंगे,
यहाँ पर डिविडेंड पे क्लिक कीजिए तो कंपनी हर साल डिविडेंड पे करती है, देख ले सकते हैं। तो डिविडेंड भी एकदम कांस्टेंट है, हर साल पे कर रही कंपनी। बोनस काफ़ी दिनों से नहीं दिया है कंपनी। वही स्टॉक स्प्लिट की बात करें, फेस वैल्यू 1 है, तो अब स्टॉक स्प्लिट होने वाला नहीं। और 2010 में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया था, तो ये भी ठीक है। कंपनी में प्रमोटर्स के होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर्स का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है मार्च क्वार्टर में, तो कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब एक तरह से प्रमोटर्स का होल्डिंग कांस्टेंट बना हुआ है। शेयर जो प्लेस्ड हुआ था वो भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है, तो ज़्यादा शेयर जो है प्लेस्ड नहीं है, 2.71% है, जो कि नॉर्मल है। फाइनेंशियल पर चलते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी इंप्रूव हुआ है, कंपनी का जो प्रॉफिट रेवेन्यू सारा इंक्रीज हुआ है। देखते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है काफ़ी जंप हुआ है, देखते हैं 400 करोड़ के आसपास जा चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर मार्च क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी। एनुअल बेसिस पे बात करें तो कंपनी जो है 2016 में लॉस में थी, और वहाँ से देखते हैं 535 करोड़ के प्रॉफिट तक कंपनी जा चुका है। और रेवेन्यू मतलब सेल्स भी बात करें तो 6600 करोड़ से 9600 करोड़ तक कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो चुका है, तो सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी की बात करें बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 13000 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस है। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट भी है, 794 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, मतलब ज़्यादा कुछ खास डेट नहीं है, तो डेट भी कंपनी के ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर नीचे चलते हैं कंपनी के ऊपर जो है, तो नीचे चलते हैं तो कैश और कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास जो है 1600 करोड़ का कैश और कैश इक्विवेलेंट है, तो ये भी कंपनी के पास अच्छा खासा है। तो सारी चीज़ें कंपनी के पास पॉजिटिव है, तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। आप चाहे तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं, मतलब अभी प्राइस रेंज आपको हमने पहले ही बता दिया, सपोर्ट लेगा तब बनाएंगे, अभी आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। देखते हैं आज भी ये 2.70% डाउन है, कंपनी का अभी प्राइस जो है 465 रुपीज़ है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें तो पोजीशन आप बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करना है तो SIP मोड में आपको इन्वेस्ट करना है, कुछ स्टॉक्स अभी बाकी है जैसे 5 स्टॉक, फिर 10 स्टॉक्स, फिर इस तरह से करते जाना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।